नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और एक नए फ्रेश वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि 2020 महिंद्रा थार की कीमत सामने आ चुकी है, इसकी प्राइसेस लीक हो चुके हैं। आज के वीडियो में मैं आपको महिंद्रा थार के कीमत के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा 2020 की महिंद्रा थार खास इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर हमें वो सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आज के डेट में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की कारों के अंदर दिए जाते हैं, एसयूवी के अंदर दिए जाते हैं, सेडान कारों के अंदर दिए जाते हैं, प्रीमियम हैचबैक कारों के अंदर वो फीचर्स दिए जाते हैं। वो सारे फीचर 2020 महिंद्रा थार के अंदर दिए गए हैं। अगर इसके एक्सटीरियर लुक की बात करो तो इसका जो एक्सटीरियर लुक है काफी हद तक रिडिजाइन किया है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स इसके एक्सटीरियर में चेंज किए गए हैं। अगर इंटीरियर की बात करो तो इसका इंटीरियर भी काफी हद तक चेंज किया है, इंटीरियर में बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए हैं, बहुत सारे नए एलिमेंट्स लगवाए हैं, जैसे कि हमें इसके अंदर टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट भी मिलेगा, आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू थार को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारे एडवांस फीचर, एडवांस टेक्नोलॉजी इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। रूफ माउंटेड स्पीकर भी आपको मिलने वाले हैं और इसमें अलग अलग ट्रिम्स आएंगे, यानी अलग अलग वेरिएंट आएंगे जिसके अंदर LX और AX ये दो मेन वेरिएंट रहने वाले हैं 2020 महिंद्रा थार के अंदर। तो AX वेरिएंट को चार अलग मॉडल के साथ लॉन्च किया जाएगा, पेट्रोल और डीजल इसमें शामिल है। उसी के साथ LX वेरिएंट की बात करो तो तीन अलग वेरिएंट के साथ लॉन्च किया जाएगा। आपको बताना चाहूँगा AX वेरिएंट के अंदर सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको LX के अंदर ऑटोमेटिक का ट्रांसमिशन मिलने वाला है। सबसे पहले मैं AX वेरिएंट की बात करना चाहूँगा। AX वेरिएंट के अंदर आपको सॉफ्ट टॉप मिलता है, कन्वर्टिबल या फिर फिक्स्ड, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। AX में जो मैनुअल ट्रांसमिशन वाला मॉडल है जिसके अंदर पेट्रोल इंजन आपको मिलेगा, इसकी कीमत इंडिया में लगभग 9.75 लाख रुपीज से स्टार्ट होगी। जो नेक्स्ट मॉडल आता है इसी के अंदर आपको डीजल इंजन मिलेगा, डीजल इंजन वाले मॉडल की कीमत आपको देनी पड़ेगी 10.49 लाख रुपीज। वही अगर मैं AX वेरिएंट के कन्वर्टिबल सॉफ्ट टॉप मॉडल के बारे में बात करूं तो इसकी कीमत लगभग 10.25 लाख रुपीज से इंडिया में स्टार्ट होगी इसकी कीमत। वही इसी के अंदर आपको कन्वर्टिबल के अंदर डीजल इंजन में मिलेगा, तो इस मॉडल की कीमत लगभग इंडिया में 10.99 लाख रुपए से स्टार्ट होगी। और ये सारी एक्स शोरूम प्राइस मैंने आपको बताई है, ये लीक प्राइसेस है गाइस, तो इसी के बीच में महिंद्रा थार की कीमत होने वाली है। जो नेक्स्ट वेरिएंट आता है LX, LX के अंदर आपको तीन ट्रिम्स दिए जाएंगे, इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक का ट्रांसमिशन भी मिलेगा और मैनुअल का ट्रांसमिशन भी मिलेगा, और LX के अंदर आपको हार्ड टॉप मिलने वाला है। तो आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर आपको फोर सीटर का ऑप्शन मिलेगा। वही इसमें जो मैनुअल वेरिएंट आता है डीजल के साथ, इसकी कीमत इंडिया में लगभग 11.20 लाख रुपीज से स्टार्ट होगी। उसी के साथ जो सेकेंड मॉडल आता है जिसके अंदर आपको पेट्रोल मॉडल दिया जाएगा और इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा, तो इसकी कीमत इंडिया में लगभग 12.49 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होगी। और आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर जो टॉप वेरिएंट रहने वाला है LX में, जिसके अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा और साथ ही में इसके अंदर डीजल इंजन मिलने वाला है, तो इसके अंदर आपको जो टॉप रहने वाला है, ऊपर का जो रूफ रहने वाला है वो हार्ड टॉप मिलने वाला है, डीजल मॉडल रहने वाला है, तो इसकी कीमत इंडिया में लगभग 12.25 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होगी। तो ये सारी प्राइजेज लीक प्राइजेज है गाइस, कुछ सोर्सेज के मुताबिक ये सारी प्राइजेज है 2020 महिंद्रा थार की, तो इसी रेंज के बीच में 2020 महिंद्रा थार की प्राइस रहने वाली। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा 2020 महिंद्रा की थार बहुत ही खास है, पर्सनली मुझे महिंद्रा की कारें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, आपको कौन सी कंपनी की कार अच्छी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और एक बात आपको बताना चाहूंगा, जब थार इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी तो इसका सीधा मुकाबला होगा मारुति सुजुकी की अपकमिंग जिम्नी के साथ, फोर्स की गुरखा के साथ इसका कड़ा मुकाबला रहेगा। और 2020 की थार को सिर्फ आप ऑफ रोडिंग के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन 2020 की जो थार है उसको आप सिटी के हिसाब से भी चला सकते हैं क्योंकि इसका जो एक्सटीरियर लुक है काफ़ी हद तक प्रीमियम है, काफ़ी हद तक ज़बरदस्त रखा है, तो इसको ना मतलब क्या बोलो यार, लिटरली लाजवाब है 2020 की थार। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा और ऑल के ऊपर क्लिक कीजिएगा, और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, राइड सेफ, वियर हेलमेट, वियर सीट बेल्ट, थैंक यू सो मच।